नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि जागरण में। कई लोग आज भी पीएम किसान योजना से जुड़ी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिसके चलते उन्हें सरकार की ओर से वित्तीय सहायता नहीं मिल पाती। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की 3 किस्तों में आय सहायता प्रदान करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम किसान का आवेदन पत्र ठीक से ना भरा होने के कारण इस तरह की समस्या आपके सामने खड़ी रहती है। पीएम किसान योजना के तहत कहा गया है कि आवेदन पत्र में लाभार्थी का नाम अंग्रेजी में होना जरूरी है। इसीलिए यदि किसी किसान का नाम हिंदी में पंजीकृत है तो उन्हें अगली किस्त आने से पहले अपना नाम संशोधित करवाना चाहिए। इसके अलावा उनके बैंक खाते में लाभार्थी का नाम उनके आधार कार्ड के समान होना चाहिए। पीएम किसान के घर के पते से लेकर पूछी गई सभी जानकारियों की डिटेल्स में किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे कि जरूरी बैंक अकाउंट डिटेल्स भरते समय कोई भी गलती ना हो। तो वहीं पीएम किसान में गलत जानकारी भरने के कारण आवेदकों को धन प्राप्त नहीं होता और वे इसके बारे में चिंतित हो जाते हैं और फिर उन्हें एहसास होता है कि आवेदन में भरी गई जानकारी शायद गलत थी। इस स्थिति के लिए अधिकारियों ने एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है जहां आवेदक अपनी गलत जानकारी बदल सकते हैं। बदलाव करने के लिए पीएम किसान के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, आधार कार्ड विवरण संपादित कर विकल्प पर क्लिक करें, लॉगिन विवरण भरें और कैप्चा कोड भरकर सबमिट कर दें। लॉगिन करने के बाद अगर आपको अपने नाम में कोई गलती दिखाई देती है तो आप उसमें ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं और अगर आपके विवरण के साथ कोई अन्य गलती है तो भी आप उसे ठीक कर सकते हैं। यदि सभी विवरण सही हैं और आपको किस्त नहीं मिली है तो आप पीएम किसान के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसका हेल्पलाइन नंबर है 01124300606 और 01123381092। इसके अलावा आप सोमवार से शुक्रवार तक पीएम किसान हेल्प डेस्क pmkisan@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये तो थी पीएम किसान से जुड़ी कुछ खास जानकारी। इसके अलावा भी अगर आप कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। शुक्रिया।